वेलकम टू माय चैनल हैदराबादी कुक। आज जो हम बनाने वाले हैं वो है वेज मंचूरियन। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एक जनरल बिलीफ है इंडो चाइनीज रेस्टोरेंट की ही परफेक्ट रहती है। आई टू एग्री टू दैट, बट इट्स अ पैंडेमिक टाइम एंड यू कांट गो एज यूजुअल, राइट? सो वेज मंचूरियन में वेराइटी ऑफ मिक्स वेजिटेबल्स रहते हैं विच इज हेल्दी, एंड टू मेक इट मोर हेल्दी हम लोग एक बहुत हेल्दी तरीके से बनाएंगे जो कि एयर फ्रायर में बनाएंगे और शैलो फ्राई इंस्टेड ऑफ डीप फ्राई। सो एंजॉय हेल्दी टेस्टी एंड अपने घर में सेफली एंजॉय करिए वेज मंचूरियन। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाएं। डिश हम लोग दो स्टेप्स में बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप मंचूरियन बॉल्स, उसके बाद ग्रेवी। चलिए देख लेते हैं मंचूरियन बॉल्स के लिए हम लोगों को किस चीज की जरूरत है। चॉप्ड कैबेज है ये, 1 कप है ये। चॉप कैरेट 1/2 कप। ये स्वीट कॉर्न है 1/2 कप। चॉप्ड रेड बेल पेपर, स्प्रिंग अनियंस की ग्रीन्स है ये मैं 1/2 कप ली, कट कर ली देखिए ऐसे। और ये फ्रेंच बीन्स है 1/2 कप है ये भी मैं स्मॉल साइज में कट कर ली ऐसे। और ये चॉप्ड कैप्सिकम है। ये जो मैं कप बोल रही हूँ ये मेजरिंग कप जो आते हैं ना उसका 1/2 कप बोल रही हूँ, ठीक है। और ये गार्लिक है, 1 टेबलस्पून लगेगा इसमें से। 1 टेबलस्पून जिंजर, 1 टीस्पून क्रश्ड रेड चिलीज। ये ऑप्शनल है, थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ और थोड़ा देसी टच भी आता है इससे। 1/2 टीस्पून है ये ब्लैक पेपर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। 2 टेबलस्पून मैदा है ये, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। और ये ऑयल है, इसमें से मैं 1 टेबलस्पून ऑयल एयर फ्रायर में यूज करूंगी और 2 टेबलस्पून ऑयल जो है मैं शैलो फ्राई का भी बताऊंगी आपको। 2 स्टेप्स में बताऊंगी मैं, एक एयर फ्रायर का और एक शैलो फ्राई करके। और ये पानी मैं तकरीबन 1/2 कप ली, लेकिन अगर इसमें से थोड़ा सा लूंगी मैं, ज्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि वेजिटेबल्स का खुद पानी होता छूटता ना, तो इसीलिए हम लोग 1/2 कप ही डालें। 1/2 कप से भी कम लगेगा पानी इसमें, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसकी मिक्सिंग देख लेते हैं। एक बॉल में सारी चीजें डाल दी जो मैं बताई थी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बेहतर है कि हाथ से मिक्स कर ले तो बेहतर रहेगा। पहले तो हम लोग ये वेजिटेबल के पानी से ही इसको मिक्स करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम लोग एक पेस्ट बनाएंगे इसका। देखिए वेजिटेबल के पानी से, मैं अब तक पानी नहीं डाली इसमें, वेजिटेबल के पानी से ये अच्छा बन रहा, डो की तरह बन रहा। देखिए हाफ टी स्पून पानी डाल रही हूँ मैं, ठीक है। ये वेजिटेबल के पानी में ही पूरा अच्छे से मिक्स हो गया, देखिए अच्छे से मिक्स हो गया ये। ये मंचूरियन बॉल्स बनाने के लिए ये देखिए हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिए ऑयल से, ऐसे करके बॉल्स आसानी से बन जाते। देखिए ऐसे ऐसे दबा दबा के थोड़ा सा आसानी से ये बॉल्स बन गए। मैं थोड़ी बना ली, एक और बना देती हूँ आप उनके सामने। थोड़ा सा मिक्सचर लेके बस हाथों से हल्के हाथ से दबाते हैं। देखिए पहले हम लोग शैलो फ्राई का देख लेंगे। ये मैं पैन में तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल डाली और इसको मैं हाई फ्लेम पे हीट करने के लिए रख दी, ठीक है। अब हम लोग अब इसमें मंचूरियन बॉल्स डालेंगे और फ्लेम इसका मीडियम कर लेंगे। एक तरफ अच्छे से पकने देंगे, फिर मैं आपको इसको टर्न करके बताती हूँ। हम लोग इसको टर्न कर लेंगे, देखिए
मीडियम फ्लेम पे करेंगे क्योंकि हाई फ्लेम पे ये जल जाते और अंदर भी नहीं होता इसका। हम लोगों को ऐसा कोई कलर नहीं देना है, जस्ट थोड़ा सा लाइट गोल्डन होना है। आप लोगों को बता दूं, ये देखिए ये मंचूरियन बॉल्स का कलर ये आना है, ज़्यादा गोल्डन नहीं चाहिए हमको। अब हम लोग ये एयर फ्रायर का देख लेंगे, एयर फ्रायर में कैसे बना। ये मैं एयर फ्रायर को 5 मिनट के लिए प्री हीट पर रख ले रही हूँ। ये 200 डिग्री पे है, 5 मिनट के लिए प्री हीट कर रही हूँ। प्री हीट हो गया मेरा, ठीक है। अब मैं इसमें बेकिंग पेपर डालूंगी अंदर, फिर हम लोग मंचूरियन बॉल्स डालेंगे। ज़्यादा मत डालिए, एक ट्रिप में सिर्फ 5-6 डालिए। और अब हमने इसको ऑयल, ये मैं 1 टेबल स्पून ऑयल ली थी, ठीक है, ब्रश की हेल्प से ये इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रश कर देंगे ऑयल। पहले एक साइड करेंगे, मंचूरियन बॉल्स को ऑयल से ब्रश कर दी और मैं इसको 5 मिनट के लिए अब हीट करने रख दूंगी। फिर हम लोग उसके बाद टर्न करेंगे, 5 मिनट के बाद दूसरी साइड ब्रश करेंगे, फिर ऑयल, ठीक है। मैं आप लोगों को बताती हूँ, हमारे मंचूरियन बॉल्स एक तरफ हो गए, मैं पेपर निकाल दी बेकिंग पेपर। अब मैं दूसरी तरफ ऑयल जस्ट ब्रश करके फिर मैं इसको 5 मिनट के लिए रख दूँगी। देखिए हाफ डन है ये, जस्ट ऑयल ब्रश करके फिर 5 मिनट। टाइमर ऑलमोस्ट हो गया, चलिए देख लेते हैं हमारे मंचूरियन बॉल्स कैसे बने। ये देखिए, ये हमारे मंचूरियन बॉल्स रेडी है। अब मैं आपको ये एयर फ्रायर के और शैलो फ्राई दोनों के मैं डिफरेंस बताती हूँ, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं रहता, देख लीजिए आप लोग। ये एयर फ्रायर वाले हैं और ये शैलो फ्राई वाले हैं। चलिए अब हम लोग इसकी ग्रेवी बना लेंगे। इसकी ग्रेवी के लिए हम लोग को ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये स्प्रिंग अनियंस के वाइट्स ले ली मैं, निचला हिस्सा, और ये ग्रीन्स है, और ये 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर मैं थोड़े से पानी में डाल के रख ली, घोल ली, और ये 1 टेबल स्पून जिंजर है, 1 टेबल स्पून गार्लिक है, ये 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून शेजवान सॉस, 1 टेबल स्पून है चिली सॉस। चलिए बनाना शुरू करें। स्पून ऑयल डाली, अब इसमें मैं जिंजर गार्लिक डाल दूंगी। ये हाई फ्लेम पे रखी थी मैं ऑयल डाल के, थोड़ा ग्रीट करने के लिए जिंजर गार्लिक और ये स्प्रिंग अनियन के वाइट और थोड़े ग्रीन्स भी डाल दूंगी और थोड़ा गार्निशिंग के लिए बचा कर देंगे। हाई फ्लेम पे इसको पका लेंगे। ये देखिए फ्लेम थोड़ा सा लो कर लीजिए। अब मैं सोया सॉस डाल रही हूँ, शेजवान सॉस, चिली सॉस, हाफ कप पानी, थोड़ा सा बॉईल आने दीजिए। कॉर्नफ्लावर जो है पानी में जो डाल के रखी वो डाल लेंगे। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। अब हम लोग इसमें मंचूरियन बॉल्स डाल लेंगे।
थोड़ा सा टॉस करेंगे। ज्यादा मत हिलाइए क्योंकि मंचूरियन बॉल्स टूट जाएंगे। थोड़ा सा टॉस करिए बस। अब मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके बताऊंगी। हमारा वेज मंचूरियन रेडी है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है इस पर। अब मैं इसको गार्निश करूंगी स्प्रिंग अनियन की ग्रीन के साथ बस, और मैं इसको सर्व करूंगी वेज फ्राइड राइस के साथ।